हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिमाइंडर को देखेंगे, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक मैंने पहले भी कराया है लेकिन उसमें एक टाइप का था, सिर्फ टोशन मेथड से जो भी डिपेंडेंट क्वेश्चन था उसी को मैंने बताया है। लेकिन इस सीरीज में आपको उस पर आधारित भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो उस पर आधारित नहीं रहेंगे उस टाइप के भी क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करने का प्रयास किया हूं। पिछले वीडियोस में जितने भी कमेंट्स आए हैं उसमें से मैंने क्वेश्चन को बाहर निकाल लिया है और जो जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे और जो बताना चाहिए और जैसा एग्जाम में आता है उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो इस सीरीज में चार पांच वीडियो का पूरा सीरीज रहेगा, उसमें कंप्लीट जितने भी रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं मैंने सभी को बताने का प्रयास किया है। और इस टाइप का सीरीज यूट्यूब में और आपको नहीं मिलेगा। टोशन मेथड एक दो जगह आपको मिल जाएगा लेकिन पूरे टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इजी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या रहेगा, क्या रहता है रिमाइंडर में? कोई एक संख्या रहती है, नंबर देने क्या कोई एक संख्या रहती है, ठीक है, जिसका कोई क्या रहता है, पावर रहता है, जिसका कोई क्या रहता है, पावर रहता है और उसे एक संख्या से भाग देते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं जनरली, ठीक है। और क्या पूछा रहता है, रिमाइंडर क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा प्रश्न वो पूछता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग तीन छोटे छोटे सिंपल सिंपल रूल देखेंगे, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं रूल को नाम दिया हूं PQR, क्योंकि ये याद रखने में आसानी होगी और इसी से हम लोग बनाएंगे PQR, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिन्यूस नंबर पर, क्रमागत संख्याओं पर, कंटिन्यूस नंबर पर हम लोग देखेंगे। कैसे कंटिन्यूस नंबर पर, देखिए यदि यहां पे ऐसा है 18 टू द पावर कुछ भी, यहां पे एन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 टू द पावर कुछ भी है डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है 17 है, तो क्या है ये कंटिन्यूस नंबर हो गए, क्रमागत संख्याएं हो गई। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे या तो इधर से या इधर से, ठीक है। तो क्रमागत संख्या की बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूस नंबर की बात कर रहा हूं। तो जब ये लार्जर नंबर है, देखो दोनों में क्या है, ये लार्जर नंबर है, 18 क्या है लार्जर नंबर है, जो लार्जर नंबर में पावर है, यदि बड़ी संख्या में क्या है पावर है, घात है, और छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में, देखो कंटिन्यूस है ना नंबर, कंटिन्यूस नंबर होने पे, ऐसी स्थिति में हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, वन आता है, रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा वन आता है। इस चीज को आप ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, यदि बड़ी संख्या में घात हो छोटी संख्या से भाग दिया जाए, पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी संख्या से भाग दिया जाए, कंटिन्यूस नंबर 18 है तो यहां पर 17 ही होगा, ऐसी स्थिति में हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, वन आता है, क्योंकि देखो इसको डिवाइड करोगे 1 to the power n आएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये क्यू रूल आप देखते हैं, इसको पलट देते हैं हम लोग, 17 को ऊपर लेके चलते हैं 18 को नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी बना सकते हैं, 17 और भाई 18 है, ठीक है। इसमें पावर क्या हो सकता है, एक हो सकता है इवन नंबर, एक इवन ले लेते हैं, और 17/18 इसमें पावर हो सकता है ऑड नंबर, ऑड इवन वाला लेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ता ऑड इवन, इस स्थिति में फर्क वो पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि 17 मतलब छोटी संख्या में पावर है, यहां पे छोटी संख्या में पावर है और बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, छोटी संख्या में पावर है और बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में रिमाइंडर फिर से वन आएगा, बहुत इजी है, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं कैसा पावर है, वो इवन पावर है, तब छोटी संख्या में पावर है, इवन पावर है और बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, वन आएगा। ध्यान देना इस चीज को, बहुत ईजी है, हम लोग इसको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है यहां पर 17 टू द पावर, ये ऑड नंबर है और डिवाइडेड बाय 18, छोटी संख्या में घात है लेकिन यहां पे क्या है, ऑड पावर है और यहां पे किससे भाग दे रहे हैं, उसको बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं एज इट इज, ऐसी स्थिति में रिमाइंडर स्वयं छोटी संख्या यानी कि ये 17 ही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर, 17 ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या और इसको विषम संख्या, ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये तीन रूल हो गए, ये तीन रूल रहेगा, टोशन मेथड रहेगा और एक चेन रूल रहेगा, तीनों रूल को मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। तो इस पे आधारित ही हम लोग क्वेश्चन अभी करके देखते हैं। चलिए यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं, मैं एक एक चीज को बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन से लेकर समझाता हूं,
बाद में लोग कमेंट करते हैं सर आप एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बता रहे हैं, दूसरा टाइप का भी होता है, कभी एग्जाम नहीं दिए हो क्या, ऐसे ऐसे करके कमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली समझाने की कोशिश करता हूँ अलग अलग टाइप से, क्या अलग अलग पावर में कैसा होगा, अलग अलग सिचुएशन में कैसा होगा, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखेंगे जो समझ पाते हैं। यहां पे मैं तीन क्वेश्चन लिख लिया हूं, आपको रूल पी क्यू आर माइंड में रखना है। सबसे पहले देखिए यहां पे 121 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 120 है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नंबर है, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस नंबर वाले ही हैं, कंटिन्यूअस नंबर है। ठीक है, और बड़ी संख्या में लार्जर नंबर में यहां पे पावर है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे और छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो ऐसी स्थिति में बताया हूं यहां पे पी रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा? ये पी रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल बोल रहा हूं यहां पे मैं? पी रूल। और रिमाइंडर क्या आता है इसका? रिमाइंडर आता है वन। आर मैं लिख रहा हूं वन है, रिमाइंडर आता है वन। वैसे ही इधर देखेंगे ये भी बड़ी संख्या है और छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। अब पावर को इग्नोर करना है, जब बड़ी संख्या ऊपर में तो कोई मतलब नहीं है। यहां पे भी कौन सा रूल अप्लाई होगा? पी रूल। और रिमाइंडर आएगा वन। कौन सा रूल? पी रूल। ये रूल पी क्यू आर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैं आपको तरीका है याद करने के लिए बताया हुआ, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा कहीं पे पी क्यू आर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे क्या दिया देखो, 121 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 122, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी संख्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी संख्या है, पावर किसमें? छोटी संख्या में। तो ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं हम लोग? ऑड इवन देखते हैं, और यहां पे इवन नंबर है, ये क्यू रूल अप्लाई होगा। सेम वैसा ही यहां पर है, ठीक है, छोटी संख्या में पावर है और इवन नंबर, ये 18 ही मैं ले लिया, उसको आप लोग 20 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए इसको 20 कर देंगे। ठीक है, यहां पे भी क्यू रूल अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या आता है? अगेन रिमाइंडर, ये आता है वन, रिमाइंडर आता है वन। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, उसी यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देखेंगे 121 टू द पावर 17, यहां पे ऑड नंबर है, यहां पे भी ऑड नंबर है और बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, तभी तो ऑड इवन देखना है, बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में रिमाइंडर, ऐसी स्थिति में रिमाइंडर क्या हो जाता है? स्वयं छोटी संख्या, स्मॉल नंबर इटसेल्फ, 121 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका रिमाइंडर? 121, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी रिमाइंडर देखो कितना आ जाएगा, ये 145। अब बोलेंगे सर ऐसा तो कभी दिया नहीं रहता है, ये एक्चुअली में बड़े क्वेश्चंस में छुपा रहता है ऐसा। देखेंगे अभी मेरे साथ, अब बनेंगे पूरा का पूरा पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देखिए सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, बहुत लोग ऐसा ही कमेंट किए हैं, पूरा पूरा देख नहीं रहे हैं। कभी मैं ट्यूशन को समझाने की कोशिश किया हूं, क्या है 5-10 मिनट वीडियो में मैं ट्यूशन को समझाने की कोशिश की हूं, तो सर इतना लंबा कैसे होगा? पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद 10 सेकंड में नहीं बने तो कहिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग और क्वेश्चन कर करके देखते हैं, चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बना के देखते हैं, ये भी उसी कॉन्सेप्ट से बनेंगे। यहां पर दिया 67 टू द पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68, ये भी वैसा ही दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, जो हम लोग रूल जानते हैं, थोड़ी देर पहले हमने सीखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, यहां पे देखो 67 टू द पावर 67 है और 68 से डिवाइड कर, इसको भूल जाओ, 68 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसको बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और छोटी संख्या में पावर है, और कैसा पावर है? वो इवन पावर है या ऑड पावर है? ऑड पावर है। यहां पर कैसा पावर है? वो ऑड पावर है। ऐसी स्थिति में पी क्यू आर, आर रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर? स्वयं छोटी संख्या, स्मॉल नंबर इटसेल्फ, मतलब 67। क्या आ जाएगा इसका रिमाइंडर? 67। इसको आप लोग अलग अलग कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 67 को फिर 68 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब वो खुद क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, वो खुद रिमाइंडर हो जाएगा 67। ये ऐसा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 68, इसको आप लोग जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 68, 7 × 14, 6 × 12 = 13, 68। यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 66। ये ऐसा बनेगा, एकदम इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देखते हैं 7 to the power 8 है, यानी कि बड़ी संख्या में पावर है तो ऑड इवन से कोई मतलब नहीं हमको, छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, यहां सीधा सीधा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। सीधा सीधा क्या आ जाएगा?
वन आ जाएगा। और सिक्स बाई सिक्स कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं, वन प्लस सिक्स कर लो, ऐसा कर लो, ये सेवन बाई सिक्स आ गया, सेवन बाई सिक्स आ गया, डिवाइड है ये, अपॉन के फॉर्म में लिखा हुआ लेकिन डिवाइड है, तो यहां से रिमाइंडर क्या आ गया, वन, तो इजली बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चले, यहां पे देखो फिर से जैसे यहां पे सिचुएशन है वैसा यहां पे सिचुएशन है, छोटी संख्या में पावर है, और कैसा पावर है वो, जैसे यहां पे था ऑड पावर है और बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 43 ही आ जाएगा, 43 ही आ जाएगा, और ये प्लस 5 है, प्लस 5 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 44, ये ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा देखो, ये 48 डिवाइडेड बाई 44, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 4, यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, ये इसलिए, तो वो जो पीक्यूआर कॉन्सेप्ट है वो हमको पता होना चाहिए, फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, अभी हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अभी मेरे पास है। चलिए यहां पे कुछ क्वेश्चन और हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे ये किसी ने मुझे डाउट में पूछा है जो मैं पहला पार्ट बनाया हूं उसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है, 45 टू द पावर 50 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 44, ये ठीक है, ये मेरी तरफ से ये डाउट्स वाले हैं, तो देखेंगे इसमें कैसे करना है, यहां माइनस है इसलिए इसको बता रहा हूं, ये बड़ी संख्या में घात है, 45 बड़ी संख्या है, 44 से बड़ी संख्या है, ठीक है, तो सीधा सीधा क्या आ जाता है, यहां से 1 रिमाइंडर आ जाता है, ये आ जाएगा 1, ठीक है। माइनस 9 है, ये देखो 9 डिवाइडेड बाई 44, यहां से आ गया माइनस 8 डिवाइडेड बाई 44, क्या आ गया है, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 44, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में रिमाइंडर ये हो जाएगा 44 माइनस 8, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, हम लोग उसको घटा लेंगे सीधा सीधा, 44 माइनस 8 ये आ जाएगा कितना, 36, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग था इसको ध्यान देना है, ठीक है, बाकी तो वही करना है, लेकिन कभी कभी माइनस वाली स्थिति आ जाएगी तो ऐसा कर लेना है लास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां चलते हैं, ये बहुत इजी इजी है, डाउट में पूछे गए थे, लेकिन देखो यहां पर 2 to the power 23 डिवाइडेड बाई 31 लिखा है, अब ये तो कहीं भी कंटिन्यूस नंबर ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, कहीं भी कंटिन्यूस नंबर ऐसा नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इस 2 to the power 23 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 to the power 5 2 to the power 4, ये पांचों के 20 हो गया, 3 बच गया, इंटू 2 to the power 3, ये ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये सर्च एंड इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, ये पांचों के 20 हो गया और ये जुड़ गया 23 हो गया, डिवाइडेड बाय 31 तो एज इट इज यहां पे है, ये बस मैं इसको ऐसा लिखा हुआ, उसका वजह ये है कि 2 to the power 5 क्या होता है, 32, क्या होता है 32, 2 to the power 4 into, इसको मैं 8 लिख सकता हूं क्या, 8 डिवाइडेड बाय 31, अब आ गया ये कंटिन्यूस नंबर, आ गया कंटिन्यूस नंबर, ऐसी स्थिति में रिमाइंडर क्या आता है, सीधा सीधा यदि बड़ी संख्या में घात हो छोटी संख्या से भाग दिया जाए, सीधा सीधा रिमाइंडर 1 आता है, ये आ गया 1, क्या आ गया 1 आ गया, 1 into 8 डिवाइडेड बाय 37 मतलब 31, 8 by 31, जब 8 को 31 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, रिमाइंडर खुद आ जाएगा 8, रिमाइंडर खुद आ जाएगा 8। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया, सर ऐसा वाला बताओ तो जाने, ऐसा वाला बताओ तो जाने, इस कॉन्सेप्ट से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, और तमाम प्रकार के वो आपको कमेंट उसमें दिखेंगे, रिमाइंडर पार्ट 1 जो पिछला वीडियो है मेरा, बहुत ज्यादा व्यूज आए उसमें, उसको देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जिसको पढ़कर आपको हंसी आएगी। नेक्स्ट चलते हैं यहां पे, ये भी डाउट में था, 68 to the power 84 डिवाइडेड बाई 67, तो ये देखो बड़ी संख्या में घात है, यहां पे भी बड़ी संख्या में घात था, छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, कंटिन्यूस नंबर ही, सीधा सीधा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, सीधा सीधा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 15 डिवाइडेड बाय 16, ये मतलब पावर जो भी है, लेकिन पावर क्या है, पे इवन पावर है, और ये देखो ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, अभी उल्टा हो गया, ऐसी स्थिति में ऑड इवन देखना है, और ये क्या है इवन है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। हाँ यदि यहां पे ऐसा होता 15 to the power 123 मतलब ऑड होता डिवाइडेड बाय 16 तब हमारा रिमाइंडर आता 15, तब हमारा रिमाइंडर क्या आता 15,
तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो रिमाइंडर के, रिमाइंडर थ्योरम के, जिनसे क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपका दिमाग खुला होना चाहिए। जैसे कि यहां पे तो कंटिन्यूअस नंबर नहीं है, लेकिन उसको बना सकते हैं हम लोग। अभी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करके देखने वाले हैं, इस सीरीज में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पे और क्वेश्चन दिया हुआ है, सो कैसे बनाएंगे देखेंगे। यहां पे 7 to the power 84 डिवाइडेड बाय 342 दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते, 7 to the power 3 टू दी पावर 28 ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई होता है तो 84 आएगा, डिवाइडेड बाय 342, ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का वजह ये है कि 7 to the power 3 क्या होता है, 343 होता है, डिवाइडेड बाय ये सॉरी पावर में 28 है, डिवाइडेड बाय क्या है 342। तो ये बड़ी संख्या में घात है, छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, और ये कंटिन्यूअस नंबर है, सीधा सीधा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। इतना आसान था ये, आप बना रहे हैं एग्जाम में तुरंत समझ में आ जाएगा, बस उसको तुरंत लिख लेंगे, 1-10 सेकंड से भी ज्यादा समय नहीं लगता, कभी कभी लगता है किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा। अभी देखिए यहां इसको कैसे करना है, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है ये, चलिए देखते हैं। 2 to the power 99 डिवाइडेड बाई यहां पर क्या है 33 है, इसको भी हम लोग क्या है 32 बना सकते हैं, ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। 2 to the power यहां पर मैं 5 लिख लिया, 2 to the power ये 5 लिख लिया, अब 99 से मल्टीप्लाई करने से तो आएगा नहीं, पावर में यहां पे क्या ले सकता हूं 19, तो 19 5 से क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, और ये 4 बच जाएगा, तो ये 2 to the power 4 अलग से लिख लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 33। अब इसका वैल्यू होता है 32, पावर में 19 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 33। अब देखेंगे किसमें है, इसमें छोटी संख्या में, किसमें छोटी संख्या में घात है, पावर है, अब पावर कैसा है यहां पे ऑड पावर है, कैसा पावर है वो ऑड पावर है, और बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में रिमाइंडर स्मॉल नंबर इटसेल्फ छोटी संख्या खुद ये 32 क्या हो जाएगा यहां पे 32 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 33 ये है, ये ऐसा आ गया, रिड्यूस हो गया ये पूरा का पूरा, ये हो जाएगा 512 और ये 33, तो रिमाइंडर यहां से आ जाएगा 17, ये हमारा आंसर है, इसलिए इसको आप बना। ऐसा बहुत सारे लोगों ने ऐसा डाउट पूछा है, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, 2 to the power वाले बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, तो देख सकते हैं ऐसा इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट यहां चलते हैं, इसको भी कुछ ऐसा ही हम लोग लिख सकते हैं, 33 कोई बात नहीं, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूं, 2 to the power 5 और ये 19, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाय ये 32 कर लिया मैं, 32 कर लेता हूं ये ऐसा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 32 to the power 19 ऐसा लिखेंगे, और 32 को जब 32 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्या आएगा रिमाइंडर 0, तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा रिमाइंडर यहां से 0 हो जाएगा, सीधा सीधा रिमाइंडर 0, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां चलेंगे, यहां पे देखेंगे बड़ी संख्या में यहां पे पावर है 28 छोटी है, और 29 बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में रिमाइंडर आता है 1, रूल पी से सीधा सीधा ये बन गया। तो ऐसे ही कुछ टाइप्स के क्वेश्चन है, अभी एक दो क्वेश्चन और है उसको भी बना के देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बना के देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग 2 to the power 5 ऐसा लिख सकते हैं, 2 to the power 8 ये 5 8 40 हो गया, कितना बच गया 42 होने के लिए, ये 2 बच गया, 2 to the power 2 लिख लिया, डिवाइडेड बाई ये 33, इसको बार बार नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बात लास्ट में कर सकते कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं आगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 32 to the power 8 ये इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं, इसको किससे डिवाइड करना है 33 से डिवाइड करना है, आप चाहो तो लिख लो 33 से डिवाइड करना है। अभी देखो क्या है, यहां पे छोटी संख्या में पावर है और बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पावर का ऑड इवन देखना है, और यहां पे पावर क्या है इवन नंबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर 1, क्या आ जाएगा 1, और ये 4 है इंटू 4 डिवाइडेड बाई 33, ठीक है 4 डिवाइडेड बाई 33, ये डिवाइड नहीं होगा रिमाइंडर खुद हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4,
ठीक है। कई लोगों ने इसको डाउट में पूछा है ऐसा कैसे रिमाइंडर आता है ऐसा करके, तो देखो कैसा आता है। ये 4 है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 33 से डिवाइड कर रहे हैं। कैसे रिमाइंडर 4 आया, देखो 33 0 0 33 0 0 क्या बच गया रिमाइंडर, ये देखो ये ऐसा, ठीक है। बहुत लोगों ने ऐसा ऐसा डाउट पूछा है, खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। यहां पे देखो ये ऐसा दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 14 है, अब उसका रिमाइंडर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। कितना आएगा रिमाइंडर 6, आप करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको कर लिया ना। अब आगे देखो, यहां देखो ये इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, रिमाइंडर भी 3 ज्यादा हो जाएगा। ये इससे कितना ज्यादा है, देखो 3 ज्यादा है, रिमाइंडर भी 3 ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक ही चीज को डिवाइड करने पड़ेगा, ठीक है। और ये 14 तो 14 है ही, यहां पे 6 9 54 होता है, 54 मैं लिख लिया, 54 × 12 डिवाइडेड बाई 14 है, ये ऐसा मैं लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 14 3 42 होते हैं, यहां से 12 बच जाएगा, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 12 144 144 डिवाइडेड बाय 14। चलिए इसको देखते हैं, मैं इसमें डिवाइड कर ही देता हूं, ये 730 है डिवाइडेड बाय इसको क्या करना है 6 करना है, ठीक है। तो ये 6 1 6 ये 13 हो गया, और ये 2 12 हो गया, 10 6 1 6 यहां से आ गया 4, कितना आ गया इसका रिमाइंडर, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक। अभी देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, 4 आ रहा है, अब मैं इसमें 4 बढ़ाऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा है, तो 4 4 क्या हो जाता है 8 हो जाता है, 8 तो रिमाइंडर आएगा नहीं 6 से डिवाइड करने से, इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जा रहा है रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और उसी अब देखो ये 8 हो गया है, 8 में मैं फिर से क्या कितना जा रहा है यहां पर देखो, और आगे जा रहे हैं 2 आगे जा रहे हैं, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो सकता है, ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर 6 1 6 करेंगे, कितना बच गया यहां से 4 बच गया, ये ऐसा आ गया, ठीक है। 4 4 16 2 32 डिवाइडेड बाय 6 हो गया, तो ये 6 5 30 होता है, रिमाइंडर आ गया 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे बनाना है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे ये जो संख्या है इसको जो हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, अभी 6 है उसको आप लोग क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे, 9 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है रिमाइंडर, बहुत इजी है, बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक पार्ट हो गया रिमाइंडर का, इसके बाद वाला पार्ट जो रहेगा, जो मैंने पहले टोशन मेथड ऑलरेडी डिस्कस किया है उसमें सारे एड्स को रिमूव कर दूंगा, जो भी अनअकैडमी वाला एड्स में डाला हुआ था सारा एड रिमूव करूंगा और चारों पार्ट को मिलाकर एक पार्ट आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि इस सीरीज में बहुत जरूरी है, उसको देखना आपको जरूरी है। तो सारा पार्ट मिलाकर एक पार्ट बनाऊंगा और सारे जो अनअकैडमी के एड्स थे जिसमें आपका टाइम पास हो रहा था सारा का सारा चीज रिमूव कर देंगे, वो सेकंड पार्ट आएगा। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट चलेंगे, जो ये कॉन्सेप्ट टोशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट सब मिला के जो क्वेश्चन बनेगा उनको लेकर हम लोग चलेंगे। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।